हमने आम जनता से जो वादा किया उन वादों की ओर आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में, जब से आई नीतीश तेजस्वी की सरकार, बिहार में अपार रोजगारी रोजगार, एक कहावत चरितार्थ हो चुका है, देश धर्म। हम एक एक चीजों को आपके समक्ष रखना चाहते हैं। आप सभी ने ये देखा भी है, प्रत्यक्ष दर्शी भी है, गवाह भी है। गवाह इसलिए है कि शिक्षा विभाग ने रिकॉर्ड 70 दिन के अंदर एक ऐसा मिसाल, एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया कि समय सीमा के अंदर 2,17,000 से अधिक नियुक्ति प्रमाण पत्र युवाओं के कंधे पर डाली, जिन लोगों ने यूपीएससी परीक्षा पास किया। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि विश्व की बड़ी पार्टी तो बिहार देश की बात छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की बात तो छोड़िए, अगर भाजपा विश्व की बड़ी पार्टी होने का दावा करती है तो विश्व के किसी भी देश के किसी भी राज्य का गूगल से सर्च कर करके ये बताए कि एक विभाग ने 70 दिन के अंदर 2,17,000 से अधिक नियुक्ति किसी राज्य ने किसी देश के अंदर दिया है। तो एक चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि आए और बात करें, 15 महीना बनाम 10 साल सिर्फ हमने नौकरियां नहीं, तेजस्वी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के संकल्प और फर्मों को लागू करते हुए गृह विभाग सिपाहियों की हजारों में बहाली भी की है, प्रक्रिया भी है, निरंतर निर्वाध तरीके से चीजें जारी है। उतना ही नहीं, 2020 में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को बड़ी जमात के साथ लोग आते थे, मिलते थे, सरकार में शामिल होने के बाद उनके मानदेय को बढ़ाया गया, तालीमी मरकज टोला सेवक इनके मानदेय को भी दुगना कर दिया गया। ये रिकॉर्ड कम समय में जो बिहार की सरकार ने तेजस्वी नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जनता के वादों को एक एक करके पूरा करते जा रही है। देश में प्रथम बार बिहार प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो जाति आधारित गणना को मूर्त रूप ही नहीं दिया, बल्कि जाति की गणना का आंकड़ा भी प्रकाशन कर करके पीपुल डोमेन में आम जनता के बीच में प्रसारित करने का काम किया। पंचायत प्रतिनिधियों का मामला था, उन लोगों के अंदर भी निराशा के भाव थे, लगातार युवा नेतृत्व तेजस्वी से मिलते थे, कैबिनेट ने फैसला लिया, नीतीश जी तेजस्वी जी की सरकार ने फैसला लिया, पंचायत प्रतिनिधियों के मान उनके भी जो भत्ते थे उसमें बढ़ोतरी करने का निर्णय बिहार की सरकार ने लिया है। बिहार में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर जो जातियां हैं, जो लोग हैं, उनके लिए एक बड़ा क्रांतिकारी कदम, साहसी कदम तेजस्वी नीतीश जी की सरकार ने उठाई कि आरक्षण का दायरा 75% करने का निर्णय लिया।